जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। आप पता है बिल्कुल यहाँ मिनट बाई मिनट, पहले तो आवर बाई आवर था, अब यहाँ मिनट बाई मिनट जो पाकिस्तानी सियासत है वो बदलती जा रही है। और आज का दिन भी जो है मंडे का दिन है, 14 मार्च है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, बल्कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो चल रही है, सारा दिन चलती रही हैं। एक तरह का लगता है कि पैनिक बटन जो है ना वो पुश कर दिया गया है। और इस वक्त स्पेशली जो हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब और उनके उनके वज़ीर जो हैं, ये इमरान खान साहब खुद जो हैं वो एक इंग्लिश का मुहावरा कैरेट एंड स्टिक, के एक तरफ गाजरें भी आपको ऑफर कर रहे हैं, दूसरी ओर डंडा भी दिखा रहे हैं। तो वो हुकूमत का ये मुझे लग रहा है कि वो इस वक्त कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पे जा रहे हैं। और वही इमरान खान साहब जो हैं, अब इसी को सियासत कहते हैं, लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब वो किसी से नहीं मिलना, मतलब हाथ मिलाना भी बड़ा मुश्किल से वो ये पसंद करते हैं। अब उन्हें चलकर एक एक के पास उनको जाना पड़ गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सपोर्ट थी या जिसकी बुनियाद पर वो आराम से वो पिछले 3 साल उन्हें हुकूमत थी, तो वो सपोर्ट उस तरह की रही नहीं है। और अचानक दाएँ बाएँ उनको हर तरफ से उन पर अटैक्स होना शुरू हो गए, और वो जो बड़े उससे कम्फर्ट तरीके से वो बैठे हुकूमत कर रहे थे, हुकूमत उनकी डामाडोल लग रही। और सबसे बड़ी जो चीज़ है मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए डिस्टर्बिंग है, और जो उस पर डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं या दीगर लोग जो हैं, वो ये है कि जनाब के उन्होंने भी इसे थ्रेट करना शुरू कर दिया हुकूमत ने। अब उनके पास यही ऑप्शन बच गया है कि वो थ्रेट करें। आज मैं उनकी, इमरान खान साहब तो चलो वो जो भी है एक एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अलाई से मुलाकातें तो अपनी जगह पर, लेकिन जो थ्रेट्स आ रही हैं वो बड़ा एक उस पर बात, तो उनके हामी कहते हैं जनाब के पाकिस्तान में तो इसी तरह सा हो सकता है कि जो लोग आपके साथ नहीं खड़े होते उनको थ्रेट करें और उनको उनको डंडे के जोर पर अपने साथ मिला। इस पर बात करते हैं, क्या क्या थ्रेट्स दी जा रही हैं, क्या क्या कैरेट्स जो है ऑफर की जा रही हैं, उनका क्या नतीजा निकलेगा। अभी भी जब आज इमरान खान साहब जो पार्लियामेंट लॉजेस में वो उनसे मिलने के लिए पहुंच गए हैं, बलोचिस्तान की पार्टीज के जो लोग हैं या जीडीए वगैरह हैं उनसे मिलने के लिए मुलाकातें वो कर रहे हैं इमरान खान साहब, सो एक बड़ी एक चेंज पोलिटिकल एक्टिविटी तो है। और इसमें डेफिनेटली इमरान खान साहब बहुत कुछ सीखेंगे। मैं हमेशा ये कहता था पिछले 3 सालों में कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने उनको 3 सालों में सीखने नहीं दिया, उन्हें घर बिठा दिया कि आप बैठे रहे आराम से, तो हम बाकी फेयर फाइटिंग पोजीशन हैंडल करना, मीडिया हैंडल करना, आपको मुखालफीन को हैंडल करना, ये हम कर लेंगे। उसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान साहब ने मैसिवली उन पर डिपेंड किया, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर कंधों पर वो बैठे रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि जब उन्होंने अपने कंधे पीछे हटाए हैं तो खान साहब को लगता है कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि हाउ टू हैंडल अलाइज को कैसे आपने हैंडल करना है, मुजाकरात कैसे करने हैं, गिव एंड टेक कैसे करना है, किसी को खुश आपने कैसे करना है, आपको कैसे चाकू छुरियाँ मारी जाती हैं, आपके अंदर से क्या क्या लोग होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इस वक्त नाम ले रहे हैं, असद उमर साहब का कह रहे हैं उनका बयान बड़ा सख्त है, शाहमुद कुरैशी साहब का है उन्होंने सख्त बयान दिया, फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त वो भी आपको पता सख्त बयान देने के लिए, आज आमिर खाकवानी साहब ने अंदाज़ा करें, मतलब मुझे तो आमिर खाकवानी साहब को क्या कहूँ मैं, आज उन्होंने धमकियाँ दे डाली अपने MNAs को। ये वही खाकवानी साहब हैं जिनके दौर में अद्वियात का कितना बड़ा स्कैंडल आया था और इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया था, आज वो भी बैठे उनको MNAs को उनको तड़ियाँ और धमकियाँ दे। शेख रशीद साहब माशाल्लाह उन्होंने चौधरी समान को आपने सुना ही होगा कि इस मौके पे जब आपको थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए चीज़ों को, आपने इतना बड़ा बयान दाग दिया कि जनाब चौधरी जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मुनिस लई साहब का एक बयान आया है उन्होंने कि मसूफ हजरत आप तो हमसे पैसे लेते थे, माल पानी लेते थे हमारे बुजुर्गों से, आप किस मुँह से हमारे ऊपर ब्लैक मेलिंग के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। साथ ही शेख साहब का वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट हो गया, मिनट नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं जनाब आपके बुजुर्ग तो वाकई जी मैं किताबों में लिख चुका हूँ, मैं तो तस्लीम करता हूँ मैं पैसे लेता था। माशाल्लाह जी एक मतलब मुनिस लई साहब का पता उन पर क्रिटिक रहता हूँ, लेकिन ये चीज़ को दाद देनी चाहिए कि सही तरीके से उन्होंने उन्हें झापड़ मारा है कि भाई साहब आप हमारे ऊपर आने से पहले ज़रा अपना अपना बैकग्राउंड अपना वो कहते हैं वही वाली बात, हमारी बिल्ली हमें वो म्यों वाला कौन सा मुहावरा है कि आप हमसे पैसे भी लेते थे और फिर उसके बाद आके यहाँ पे हम ब्लैकमेलर भी कहते होते हैं। सो खैर जैसे मैंने कहा फौरी तौर पर शेख साहब का ये दाद देनी चाहिए, सॉफ्टवेयर जो है ना उनका अपडेट हो गया। एक तो तरफ ये चीज़ें चल रही हैं, अब इमरान खान साहब को खुद जाना, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर इमरान खान साहब की पोलिटिकल ग्रूमिंग अब हो रही है। अब आप कहेंगे 70 साल की उम्र में वो क्या कहते हैं एक है ना उसका कि इस उम्र में खाक मुसलमान होंगे शेर जो है कोई उस पर मेरी आई एम सॉरी मेरी उस पर पोट्री पर ज़रा हाथ वीक है, आप खुद ही मुकम्मल कर लीजिएगा। तो वही वाला हिसाब है कि अब 70 साल की उम्र में सियासत सीखेंगे, लेकिन फिर बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि कोई नहीं जनाब के सीखने की उम्र मतलब हर वक्त हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है। अब एक तरफ तो खान साहब ये कह रहे हैं धमकियां भी डी चौक पे जलसा करेंगे जुलूस करेंगे हमारे अंदर से गुजर कर जाना पड़ेगा देख लेंगे वापस भी यहीं से आएंगे। भाई एक कानून है जो मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ी सी वो हो रही है कि आपको धमकियां थ्रेट देने की ज़रूरत क्या है, आपके पास कानून मौजूद है, इस चीज़ का कानून ने हल निकाला हुआ है, वो हल क्या है। बल्कि मैं उनको तारिक अजीज साहब की खबर देख रहा था दुनिया अखबार के रिपोर्टर, बड़े अच्छे रिपोर्टर अंदर की खबरें लाते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने भी वहाँ पे कुछ बैठ के अपने लीगल ब्रेन्स हैं उनके साथ बैठकर बात की है कि भाई साहब इसका क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं
हैं, ये जो हमें बताया जा रहा था कि आपको स्पीकर को खत लिख देंगे, यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर लिख देंगे कि इनको रोक दें, वोट ना डालने दें, या इनको लिख आप इनको वो कर डिक्लेयर कर दें इनको कि वो हो गए एक एक यहाँ डिसक्वालीफाई हो गए हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो उनको सही वाइजली मशवरा दिया गया कि सर आप ये काम नहीं कर सकते, ना किसी मेंबर को वोट देने से रोक सकते हैं, ना किसी को डिक्लेयर कर सकते हैं आपकी डिसक्वालीफाई हो गया है। आप जो कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के उस पर लेटर पे आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने कॉमेंट्स के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनके खिलाफ आप प्रोसीडिंग शुरू करें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये काम लीगल काम है, आप लीगली तौर पर उनको कर सकते हैं, लेकिन वो लगता है कि इनको ये बात जब से ये पता चली है कि ये काम हम नहीं कर सकते, कि उनको MNAs को नहीं रोका जा सकता वोट डालने से, ये डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, तो साथ ही उन्होंने थ्रेट वाली बात करनी शुरू कर दी कि 10 लोग हम लोग इकट्ठा करेंगे, गुजर के जाना पड़ेगा, मतलब देख लिया। तो वैलेंस वाली बात है, हुकूमतें ऐसे नहीं करते। सम टाइम मतलब वही वाली बात है, आप पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, हुकूमत का काम होता है कि वो इसको कन्फ्रंटेशन से बचाए। आप अपने MNAs के साथ बैठें, उनसे बात करें, एतमाद में लें, उन्हें बताएं, उनके साथ एश्योरेंसेस दें। आपने उनको पूरे इसमें 3 सालों में तो आपने कभी हाथ नहीं मिलाया उनसे, उनको ट्रीट ही नहीं किया एट पार के तौर पर। आपने अपने यार दोस्त ATM उनको अपने साथ रखा है, करीब रखा है कि जनाब के वही सारे फ़ायदे लेते रहे, वही वजीर वही मुशीर। तो उन MNAs को तो महसूस हुआ है कि वोट हम लेके हैं, पैसा हमने खर्च किया, धक्के हमने खाए हैं, मतलब हमने 20-22 साल कोशिश हमने की है, और जब गाँव बस गया तो लुटेरे कहीं से आ गए, पूरी दुनिया से वो बैठ गए हमारे साथ, और उन्होंने वो आकर फ्रंट सीटों में बैठे हुए हैं, और हम जो है हमें तो कोई पूछते नहीं है। इस तरह पंजाब में आपने किया कि जिस तरह का चॉइस आप लेकर आए थे बुजदार के शाह की शक्ल में, तो फिर तो ये कुछ होना था कि लोगों आपने अच्छी क्यादत नहीं दी कि जिससे वो कंपीट कर सकती, वो आके अपोजिशन को 3 सालों में आपने दोबारा खड़ा कर दिया अपने पैरों पर। क्यों? कि आपने सही बंदे नहीं लगाए, आपने तो कमज़ोर आदमी चुन चुन कर लगाए हैं कि जो आपके सामने मतलब वो आँख ना उठा सके, बात ना कर सके। जब कमज़ोर लोग आपका चॉइसेज हैं कि वीक पीपल आपको चाहिए, वो आपको KP में चाहिए या पंजाब में चाहिए या इवन सेंटर में चाहिए, या फिर आपने बैठ कर खुशामदियों को आगे पीछे करना है, तो फिर शिकायत MNA से किस चीज़ की करेंगे आप? वो भी आपके इसी से खमीर उनका उठा है। वो कौन सा आपके ख्याल है ब्रिटेन से यूरोप से कोई जमहूरियत की ट्रेनिंग लेकर आए हैं बड़े कमिटेड, या आप कितने कमिटेड थे? आप जो आप कहते थे जी ना कि हम बड़े जहाँ असूलों पर खड़े रहेंगे, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, हम चोरों डाकों से हाथ नहीं मिला। आप चोरों डाकों से हाथ मिला सकते हैं, उनको साथ बिठा सकते हैं, वो क्यों नहीं मिलाएंगे चोरों डाकों से हाथ? ये प्रेसिडेंट तो आपने सेट करनी है, लीडरशिप ने सेट करनी हो। जब आप असूल पर नहीं खड़ेंगे, आप बैकआउट करेंगे तो वो तो करेंगे। खैर ये तो एक है, अब देखने का पोजीशन मतलब इमरान खान साहब के कितने सीरियस थ्रेट्स हैं। असल चीज़ ये है जिसे पैनिक बटन मेरा खड़ा दबा है कि अपोजिशन को पता है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं अपने शो जो शोज़ करते हैं GTV, मैंने वहाँ भी कहा है कि अपोजिशन को सूट करता है कि वो अलाइज को साथ मिलाए। PTA के MNA मिलाना उनको सूट नहीं करता, मैं पहले दिन से कहा, आज भी फिर कह रहा हूँ, मैं आप कहेंगे तो मैं आपको क्लिप भी शेयर कर दूँगा कि उनको सूट करता है कि आप अलाइज को सुनाएं, क्यू लीग को मिलाएं, आप GDO को साथ मिलाएं, MQM को मिलाएं, आपका काम आपका हो जाएगा। और वो देखें इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं सारे का सारे, ये नहीं कि मेरी वजह से कर रहे हैं, मैंने कोई कहा मैं बड़ा मैं कोई सियाणा हूँ, हरगिज़ नहीं हूँ। वो माशाल्लाह वो आप और हमसे 7 मील या 700 मील आगे की सोचते हैं, जो इनके अंदर मतलब आपके मेरे अंदर छठी वो हिस्से हो सकते हैं, इनके अंदर 7वीं 8वीं 10वीं हिस्से होते हैं सियासतदानों में, उन सबको पता है इन चीज़ों को। वो मार दाएँ रहे थे, दिखा बाएँ रहे थे, वो खब्बी सचिव वाले खेल में थे। अभी भी देखें कि MQM के साथ उनकी मुलाकात हुई है, इनके जरदारी साहब की हुई है, MQM को सूट करते। लास्ट वीक भी अपने शो में ये मैं बात कह रहा था उसमें GTV पे मध्य मुकाबले में कि MQM को और हमने उनको सैयद अमीन उल हक साहब को लिया हुआ था, तो वहाँ पे ये मैंने सवाल किया था कि आप लोग तो कंफर्टेबल फील करेंगे कि आसिफ अली जरदारी के साथ माजी में भी आपने अलाइंसेज किया, अभी भी करें कि आपको वहाँ पे कराची में सीटें मिल सकती हैं, कराची में आपको वजारतें मिल सकती हैं, सेंटर में मिल सकती हैं, उनको इमरान खान से ज़्यादा वो सूट करता है। अभी भी वो बातें आ रही हैं कि हालांकि इमरान खान साहब 9-0 भी गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आसिफ अली जरदारी से मिल रहे हैं, तो फिर 9-0 जाने का आपको कमिटमेंट लेकर जानी चाहिए थी, ताकि लोग जो है हमारे जैसे आपको ताने तो ना दें, MQM को कातिल कहते थे, अब उनके लिए वोट के लिए उनके पास पहुँचे, उन्होंने आपको बुला भी लिया, वोट भी डाले, जरदारी साहब के साथ भी बैठे हुए हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हो रही है, उन्होंने बाप का जो है उन्होंने बात किया, जाम कमाल साहब ने, उन्होंने शेख रशीद साहब को सनाब किया, जी आप कौन होते हैं हमारे बिहाफ पे फैसले करने वाले, हमने किसको वोट देना है। इसका मतलब वो भी उसको इशारे भेज रहे हैं अपोजिशन को, आप हैं और हमसे बात करें। क्यू लीग वो सारी गेम उनके पास आ गई, दोबारा उनके हाथ में चढ़ गई है कि क्यू लीग पर पिछले दिनों जो बयान दिए गए हैं वो आपके सामने थे, उनके वजीरों ने दिए डिवीजन की पार्टी है या ब्लैकमेलर हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है हम ब्लैकमेलर हैं, डाकू हैं, चोर। इस वक्त कुछ लोगों को अपना मुंह बंद करने की ज़रूरत होती है। आप 2-3 अपने जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं पॉलिटिकल उनको आगे करते होते हैं कि जाएँ और उनसे बातचीत करें वो क्या हो सकता है। सो इस वक्त अभी एक और डिवेलपमेंट हो रही है, हमजा शहबाज जो हैं वो पहुँच गए जहांगीर तरीन साहब के घर पर, वो बताया जा रहा है कि वो वहाँ पहुँचे, उनकी वहाँ पर उस पर उन चौधरी साहब और दीगर पार्टी के जो लोग हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं, शायद उनकी हमजा शहबाज की और जहांगीर तरीन की
आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का भी बताया जा रहा है। सो ऑल ऑफ सडन सारी पोलिटिकल एक्टर इमरान खान साहब जैसे मैंने कहा बाप और जी डी ए से मिल रहे हैं, इस्लामाबाद में लाजिज में जा रहे हैं, एम क्यू एम के वफाद वास अली जरदारी से मिल रहा है, उधर हमजा शबाज जो है वो वहाँ पर जाकर तरीन के घर पर वहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर फिर उसके शबाज गिल साहब और मुराद सईद वो अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अपना लाह अमल बता रहे हैं, फिर फवाद चौधरी और आमिर क्यानी साहब हैं वो अलग से वो बता रहे हैं, असद उमर साहब वो, फिर वह शेख रशीद साहब, फिर शाहमुद कुरैशी साहब, सो गड़धार मचा हुआ है पूरे का पूरा। बात वही है कि पावर जो है ना हर कीमत पे पावर पे होल्ड रखना है, कोई इस वक्त कोई असूल की बात, कोई थोड़ी सी कोई करेक्टर की बात, डिग्निटी की बात, इसी को कहा जा रहा है कि ये जनाब ये है सियासत है जनाब, ये पॉलिटिक्स है, एंजॉय करें इसको। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं पे तो कोई एक आध तो थोड़ा सा मतलब मेरे और आप जैसे कुछ आइडियलिस्ट जो हैं इस बात को बिलीव करें भाई कौन सी क्यामत आ जाएगी, खुदा ना खास्ता सपोज ली अगर ये तरीके एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो कौन सी क्यामत आ जाएगी, साल डेढ़ साल बाद भी इलेक्शन हो फिर क्या हो जाएगा। हमने 70-72 सालों में देखा हुआ है कि कोई इससे इनके आ जाने से भी कोई भी आप देख लें कि भानुमति का कुंभा अगर इन्होंने बनाया था इमरान खान साहब ने तो अगली हुकूमत जो आ रही है अगर आएगी तो वो भी तो भानुमति का कुंभा ही है, वो भी वही लोग हैं जो एक दूसरे को डाकू चोर एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे लड़काना की गली में बला बला, जैसे यहाँ पर ये आपको इमरान खान साहब वो आके एम क्यू एम को कातिल कहते थे और उनको डाकू कहते थे चौधरी साहबान को बला बला चीज़ों को। सो ना उस साइड पे कोई एथिक्स और कोई उस वो कहते हैं एसओपीज या टीओआर्स की बात की जा रही है ना इस साइड पे है, दोनों साइड इस हवाले से आप लोग लाख के हैं। इमरान खान साहब जो वो हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं खड़े, वो जो उस पर हाई मॉरल ग्राउंड पे पहले थे कि अब जो है वो बराबर की वही चोट खेल रहे हैं, वही गेम खेल रहे हैं जो उनसे पहले खेली जा रही थी। बहरहाल एक चीज़ तय है कि जब से ये अंपायर्स न्यूट्रल हुए हैं जो मुझे मेरे लिए बड़ी एक हैरानकुन सी बात है, ये औकात है हमारी, ये हमारा लेवल है कि दरमियान में से अगर पाकिस्तानी सियासत में से अगर अंपायर न्यूट्रल हो जाए ना आप देखें ये हशर क्या करते हैं एक दूसरे का, मतलब आप लोग तमाम के तमाम लोग पावर में रहें, सब के सब वजीर आजम रहे हैं, वजीर रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, किंग मेकर हैं, गाड फादर हैं, आप कोई बैठ के एसओपीज नहीं बना सकते, बारियां लेते रहें ना आपके जान दो जी साड़ी बारी आठ दो, मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे आ रही है कि आप यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि आप पार्लियामेंट में बैठें, आप हुकूमतें बनाएं, आप यहाँ इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं, इतने मजबूर हो गई हमारी पॉलिटिकल क्यादत। और फिर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं जी कि इस जमहूरियत से मतलब है, हम सब चाहते हैं जितनी भी बुरी खुदा ना खासा जमहूरियत हो चलती रहनी चाहिए, इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने हैं, उनको करने दें, अगर वो आपको लीगल तरीके से हटाना चाहते हैं तो उनको भी ये राइट दें। हाँ उसके बाद आप समझते हैं कि फाउल प्ले हुआ है जरूर लोगों के सामने है, उसके एक अलग से कवानीन है, मुल्क को अनहरकी की तरफ तो लेकर ना जाइए, मुल्क और कौम ने कोई इतना बुरा तो नहीं कि आपको उठा के कंधों पे बिठाया है, बादशाह बनाया है, आप लोग कुछ भी नहीं थे, अगर देखा जाए हम आपका कैलिबर जानते हैं, आपके इंटेलेक्ट जानते हैं, आपके औकात जानते हैं, आप कितने ईमानदार कितने ऑनेस्ट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने महजब हैं, तहजीब याफ्ता हैं, क्या जबान क्या गुफ्तगू हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को अपने सरों का ताज बनाया हुआ है, ऊपर अपने सरों पर बिठाया हुआ है, आप इतना रहम तरस तो करें कि पावर गेम खेलें ज़रूर लेकिन कुछ थोड़ा सा असूल के अंदर तो खेलें। चाकू छुरियाँ उन्होंने निकाली हुई हैं बादशाह और उसके बाद मार धार जारी है, और मुझे खतरा यह है कि अभी वो कह रहे हैं कि ये 27 को जलसा होना है, उससे पहले अभी कोई इसका तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग या डिबेट का भी कोई वो नहीं है, कोई हमें डेट नहीं दी, मतलब ये कि मजीद हफ्ता दो हफ्ते ये काम मार धाड़ गाली गलोच धमकियां ये सारी चीज़ें चलेंगी। मुझे तो इससे खतरा हो रहा है कि बेहतर होता इस मामले को जल्दी इसको निपटा लिया जाए। और लास्टली मैं आपको ये जो आपको बताता जाऊँ कि अल्टीमेटली जो ये फैसला करना है इमरान खान साहब का या अपोजिशन का वो अलाइज ने करना है, वो इमरान खान साहब के MNAs वगैरह उन्होंने नहीं करना। अब देखता यह है कि अलाइज जो है ना वो किस साइड पर जाते हैं, अगरचे वो बड़े समझदारी से अपने वो वहाँ चेस गेम लगा कर बैठे हुए बिडिंग हो रही है, ऐ जी बोली लग रही है कि कौन ज्यादा देगा कौन नहीं देगा, देखते हैं कि अलाइज जो है ना वो आसिफ अली जरदारी उनको अपने अपने जाल में फंसाते हैं या इमरान खान साहब में वो फंसाते हैं। गेम बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, आप भी एंजॉय करते रहे हम भी एंजॉय कर रहे हैं, इसके अलावा आप और मैं कर क्या सकते हैं।